या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 684। महावर दातार हम तेरे चरण लागूं। मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो, जिंदा रहो अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए जिंदा रहो ए मोमिना। एक वीक हुआ जब से ये न्यूज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज रसूल ने जमात को कही, जमात के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, दिल जाग उठे, सुस्ती दूर हो गई, जमात खाने की हाजिरी भी बढ़ गई और हर आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि मेरा मौला आएगा, मैं दीदार करूंगा। क्या बात है इसके पीछे? ये सब जो हुआ तो इसकी बैकग्राउंड में किस चीज ने हमें ऐसा कह दिया और कर दिया? उसका जवाब एक ही है कि हम अपने मौला से मोहब्बत करते हैं। दीदार का मतलब है अपने प्यारे को देखना, जिसको हम लव करते हैं उसको देखने का नाम है दीदार। यूं तो हम आपस में सबको देखते हैं, रास्ते में चलते चलते सैकड़ों हजारों आदमी हमको मिलते हैं, जाननी पहचाननी उनको भी देखते हैं, लेकिन किसी को देखने से हमारे दिल की एक बीट मिस नहीं होती। मगर जब इमाम आता है, जब हम इमाम को देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर उसके लिए जो मोहब्बत है वो जोश में आ जाती है। क्या होता है? खुशी की लहर दौड़ती है। फिर क्या होता है? आंखों में से पानी उतरता है मौला को देख के। लोग रो पड़ते हैं। ये रोना एक मोहब्बत है। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद हमारा कोई बेटा बाहर रहता है, वो जब घर पर आता है तो बाप के दिल में शायद इतनी सेंटीमेंट्स नहीं है, लेकिन माँ उसको देख के रो पड़ती है। मैं एक दफा मॉन्ट्रियल गया, 5-6 बरस की बात है। वहां हमारे एक अलवाइज हैं परवेज हयात, तो वो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में सिखाता भी है। मैंने कहा परवेज मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखनी है। बोला अच्छा, उसने बंदोबस्त किया तो हम लाइब्रेरी देखने गए। लाइब्रेरियन एक लेबानीज औरत थी, सलवा उसका नाम। अच्छी बड़ी मोहब्बत से मिले, लाइब्रेरी वगैरह देखी, उसने कुछ चाक बंदोबस्त किया था। हम बैठे से बातें करते थे तो परवेज ने मुझे कहा, कमिश्नरी साहब इस औरत को पूछो कि हाजिरमा में इधर आए थे तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था। वो बोली कि मैंने बहुत दफा देखा है कि जब आगा खान इधर आते हैं तो इस्माइली लोग उसको देख के रोते हैं, और मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि भाई क्या बात है ये लोग रोते हैं। मगर थोड़े महीने पहले ईसाने से इधर आए और यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट था वो उसको लेके तो लाइब्रेरी के अंदर आए। लाइब्रेरी वगैरह देखी, थोड़ी देर घूमते रहे और फिर चुपचाप चले गए। तो मैंने दिल में कहा कि कैसा आदमी है,
लाइब्रेरी देख के चला गया, मुझे बुलाया भी नहीं, थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो उसी वक्त इमाम टर्न हुए और वापस आके कहते हैं थैंक यू, और मेरे कंधे पे हाथ रखा। अभी ना मालूम कोई वजह थी भी नहीं, मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हुआ, मैं रोने लगी। लेकिन मैं एक्चुअली रो नहीं रही थी, ना मालूम पानी क्यों निकल रहा था। उनको देखा, मुझे कई बरसों से मेरी पीठ में दर्द था, उसके हाथ लगाने से दर्द मिट गया आज तक। अब मुझे पता लगा कि इसको देख के बहुत से मुरीद रो पड़ते हैं, ये रोना मोहब्बत का है। हालांकि मैं ये दर्जे पे नहीं हूं, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो मैं खुद रो पड़ी। यह खुशी की बात होती है। तो मैं ये कह रहा था कि हम सबको देखते हैं, वो दीदार नहीं है। दीदार उसको कहते हैं कि जिसको हम प्यार करते हैं, उसको देखने से खुशी होती है। इस खुशी का नाम दीदार है। गम मिट जाता है, दुख मिट जाता है, फिक्र चिंता मिट जाती है। और जब हम ईमान का दीदार करते हैं तो हमारे गुनाह भी मिट जाते हैं। गुनाह कमजोरी है, गुनाह जो है हमारी वीकनेस है। बहुत से गुनाह हम इसलिए कर लेते हैं मजबूरी से, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे वो सब गुनाह बख्शे जाते हैं। अलबत्ता मैं यहां खुलासा करना चाहता हूं, 10 गुनाह ऐसे हैं कि जो कभी भी मुआफ नहीं होते। बंदगी करने से और भी कोई कुर्बानी करने से वो गुनाह मुआफ नहीं होते। और इसका इशारा अल्लाह ने कहा है कि जो कबीरा गुनाह है वो कभी मुआफ नहीं होंगे। और हमारे इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदातार ने भी हमें क्या कहा कि 10 गुनाह ऐसे हैं कि जो मुआफ नहीं होते। मैं आज उस डिटेल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दूसरे सगीरा गुनाह हैं, दुआ नहीं पड़ी, भूल गए, लेट पड़ी, और कुछ हुआ, इबादत पूरी न की, कुछ बेअदबी हो गई, ऐसे हमसे बहुत से हमारी वीकनेस के कारण से गुनाह गलतियां भूल चुक हो जाती है, इसको देखने से दिल साफ हो जाता है। मिशनरियों की एक मेहमानी थी, 30s की बात है ये, यानी इस बात को 70-75 साल हो गए। मिशनरीज भी थे और दूसरे वो अमुक ऐसे भगत थे कि जो जमात खाने में गिदन वगैरह बोलते हैं। और इमाम फरमान कर रहे थे, फरमान के बाद मौला पूछते हैं तुम्हारे में कोई ऐसा है कि जो पाक है? किसकी हिम्मत हो गई ये कहने की कि मैं पाक हूं? एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा हुआ तो कहता है खुदा मैं पाक हूं। हाँ, कोई गुनाह नहीं किया, खुदा ने बहुत गुनाह किए। तो फिर तुम बोलते हो गुनाह बहुत किए और फिर बोलते हो मैं पाक हूं? कहते हाँ खुदा, सदरुद्दीन ने कहा है दीदार किया शाह अली तना तेनी कराया अभी चला फन। या मौला, तेरा मैंने दीदार किया, मैं पाक हो गया। बाबा बहुत खुश हुआ, शाबाश, ये ईमान की निशानी है। जब हम ईमान का दीदार करते हैं, आज मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। हमारी नजर ईमान को जिस नजर से देखती है, दूसरे लोग भी ईमान को देखते हैं, लेकिन हम जिस तरह देखते हैं दूसरे इस तरह नहीं देखते। इसी तरह से ईमान सारी दुनिया को देखता है, मुसाफरियां करता है, सबको मिलता है, लेकिन जब वो हमारे अंदर आके हमें देखता है, उस वक्त उसकी जो नजर देखती है उस नजर से वो दूसरों को नहीं देखता। ये बात, ये कनेक्शन है ईमान का, कि हम अपने ईमान को जानते हैं कि ये कौन है,
इसलिए इस नजर से जब हम उसको देखते हैं तो उस नजर के अंदर नूरानी ताकत होती है। हम ये जानते हैं ये मौला है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी उसकी इबादत करते हैं, उससे नूर पाते हैं। तो इस नजर से जब इमाम हमारे पास आता है तो वो नूरानी नजर से हमें देखता है। इसमें इस नूरानी नजर के अंदर रहम है, मर्सी है, कंपैशन है, दया भावना है, मोहब्बत और प्रेम है। दिलों के अंदर इबादत का शौक पैदा होता है, हमारे अंदर रूहानियत पैदा होती है और ईमान की मीठी नजर जो है, क्योंकि हम इस्माइली इस नजर से देखते हैं कि ये अल्लाह का नूर है। ए मोमिनो, खुदा जो है उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो फिर खुदा है क्या? खुदा एनर्जी है, नूर है। लेकिन नूर को इंग्लिश वालों ने लाइट कहा है, मगर लाइट उसका ट्रांसलेशन नहीं है कि जो अरबिक जबान के नूर में है। खुदा रहीम है, करीम है, रब है, खालिक है। खुदा के जो 99 एट्रीब्यूट्स हैं वो सब के सब नूर में मौजूद हैं। वर्ड लाइट के अंदर खुदा के 99 एट्रीब्यूट्स शामिल नहीं होते। अलबत्ता हम जब खुदा ताला के नूर का जिक्र करते हैं तो कैपिटल एल से लिखते हैं, फिर भी अरबी जबान के वर्ड नूर का ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। नूर खुदा ताला खुद है, अल्लाह नूर है। खुदा कहता है कि जमीन व आसमानों का जो नूर है वो खुदा है। अल्लाह नूर समावात व अर्ज, जमीन व आसमानों का नूर खुदा ताला। वो लाइट वो नूर हर जगह मौजूद है, लेकिन यही नूर के जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है रहीम, खुदा रहीम है। खुदा ने अपनी रहमत को एक इंसान बना दिया और उस इंसान का नाम है मोहम्मद। खुदा की जो रहमत है वो पर्सोनिफाई हुई मोहम्मद के अंदर, इसलिए खुदा ताला ने मोहम्मद को कहा, ए मोहम्मद तुम रहमतुल्लिल आलमीन हो। जितने भी खुदा की क्रिएशन है उसके अंदर रहमत मोहम्मद है। और फिर खुदा ताला के अंदर जो ताकत है, खुदा ताला के अंदर जो माइट है, पावर है, अथॉरिटी है, इसको कहते हैं कुव्वत, और वो अली है। तो खुदा ताला का जो नूर है वो मोहम्मद और अली से मिलके बीबी फातिमा की मारिफत, इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबदीन और इन तमाम इमामों में से उतरते उतरते आज मौलाना हजरत इमाम के अंदर वो जो नूर मौजूद है, वो नूर हमारा मालिक है। हम उस नूर को देखना चाहते हैं। ये जाहिर की आंखें वो नूर नहीं देख सकती, अलबत्ता इबादत करो बैतुल ख्याल में तो किसी दिन वो रहम करे तो अपना नूर दिखाए। लेकिन जाहिर में जैसे कि एक कैमरा है, वो जब ये पिक्चर लेता है तो जो ऑब्जेक्ट है उसका अक्स पड़ता है फिल्म के ऊपर, और जितने भी उसमें रंग हैं तमाम के तमाम वो रंग कैमरा के लेंस में से निकल के उस फिल्म में आ जाते हैं। बिल्कुल इस बात को भूलना नहीं, जब इमाम को देखोगे तो इमाम की शक्ल हमारी आंखों के कैमरा के लेंस की मारिफत, हमारे माइंड के अंदर जो फिल्म है उस पे जो इम्प्रेशन आता है वो इम्प्रेशन नूरी इम्प्रेशन है। इमाम की आंखों में नूर है, उस नूर का इम्प्रेशन जब हमारे दिल पे पहुंचता है
एक पीस पैदा होती है, ट्रैंक्विलिटी, खुशी पैदा होती है। आदमी को ऐसा लगता है मैं हल्का हो गया हूं, हल्का यानी लाइट फील करता है, वजन हैवी पना मिट जाता है और एक किस्म की खुशी पैदा होती है कि वो खुशी खाने पीने किसी और जरिए से नहीं मिलती, वो खुशी बिल्कुल जुदी खुशी है। ये खुशी हमको इमाम के जाहिरी दीदार में भी मिलती है और इसीलिए जाहिरी दीदार जो है वो हमारे अंदर एक किस्म की, देखो अभी तक हाजिर इमाम आए नहीं है दुनिया भर में, सिर्फ न्यूज मिली है तो जमातों के अंदर एक किस्म की खुशी पैदा हो गई है, अवेकनिंग पैदा हो गई है, आदमी जाग उठे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि मौला आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुरीद हाजिर इमाम को देखता है तो उसको वो तमाम खुशियां मिलती हैं कि जो होनी चाहिए। ए मौला, मैं खड़ा हूं कि तेरे सामने हाथ जोड़ के कहता हूं तू मुझे दीदार अता कर, और दीदार की मांगनी करना ये हमारे मजहब के एक्शंस में से एक एक्शन है, दुआओं में से एक दुआ है, मांगने वाली चीजों में एक आला दर्जे की चीज ये है कि दीदार की मांगनी की जाए। और दीदार के लिए इतने हमारे गिनानों के अंदर पाठ मौजूद हैं जुदी जुदी किस्म के, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दीदार जो है महबूब का, माशूक का, अपने बिलव्ड का, जिसको हम प्यार करते हैं उसको देखने का नाम दीदार है, और दीदार से दिल को खुशी पैदा होती है और इस खुशी का इजहार हमारे अंदर की बहुत सी गलतियां, गुनाह, मिस्टेक्स, एरर, धूड़ मिट्टी सब क्लीन करके हमारे दिलों को, हमारे ईमान को ताजा और फ्रेश कर देती है। हज़रत इमाम का जो दीदार है, जिसने दीदार करो, मैंने 10 बरस से क्या ज्यादा, 87 में 13 और 5 18 साल हुए, टोरंटो के डॉन मिल्स जमात खाने में मैंने एक वाइज की थी दीदार पर। मैंने कहा कि अल्लाह मेरे यहां जो दीदार है हाजिर इमाम का दीदार, आप कभी देखो इसको मोहब्बत और अपने ईमान से देखो, इसके चेहरे के रंग बदलते हैं, सबको देखता है। 10,000 आदमी बैठे होंगे तो हर एक से उसकी आंख मिलती है, ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन सबको ये फील होता है कि मौला मुझे देखता है, ये उसकी ताकत है। उसके चेहरे के रंग बदलते हैं। मैंने कहा इस चेहरे में जो मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सलवातुल्लाह का चेहरा है, उसमें सुल्तान मोहम्मद शाह का चेहरा है, उसमें अली शाह का चेहरा है, उसमें शाह हसन अली शाह का चेहरा है, उसमें मौलाना हाकम का चेहरा है, उसमें मौलाना मुस्तनसिर बिल्ला का चेहरा है, इसने जितने भी जामे किए हैं उनके जो अक्सर रिफ्लेक्शन इस चेहरे में है। किस चेहरे का दीदार करना है आपको? अली को देखना चाहते हो? अली दिखेगा। 1923 में 23 में हिंदुस्तान की हालत ऐसी थी कि आर्य समाज मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई मुसलमानों में से कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी की हरिजन मूवमेंट थी एक, कि जो बंगी चमार छोटी क्लास के लोग हैं हिंदू, उनको डिप्रेस क्लास समझते थे, अनटचेबल समझते थे, उनको वो एमेंसिपेट करना चाहता था। ऐसे समय के अंदर क्रिश्चियन लोगों ने जगह जगह अपने मिशन शुरू किए कि ये जो नीच क्लास के लोग थे जिनको हिंदू हेट करते थे उनको वो क्रिश्चियन बनाते थे। ये 1921 से शुरू हुआ और 1925-26 तक बड़ी गर्मी रही हिंदुस्तान के एटमॉस्फेयर में। उस वक्त 1922-23 में
मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तातार ने दो मिशनरियों को अपॉइंट किया। उन दो मिशनरियों में से एक खुदा बख्श था, खुदा बख्श तालिब हमारा यहाँ काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसका पड़दादा था। दूसरा एक मिशनरी था और वो मिशनरी था अली मोहम्मद दाया, जो 108 बरस की उम्र तक किसुमू में जीता रहा और थोड़े बरस हुए गुजर गया। इन दो मिशनरियों को अपॉइंट किया कि तुम उधर जाके ये जो नीच क्लास के लोग हैं जिनको हिंदू हेट करते हैं उनको इस्माइली बनाओ। तो ये मूवमेंट शुरू हुई और 3-1 बरस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन मिशनरियों ने 2-3 मिशनरी और भी आ गए, लगभग 3,500 लोगों को इस्माइली मजहब में दाखिल किया। उसमें एक आदमी था पिरानी करके, वो था तो हिंदू लेकिन क्रिश्चियन हो गया था। उसको हमारे मिशनरियों ने इस्माइली मजहब में इंट्रोड्यूस कराया। उसमें मेरे खुद के फादर इन लॉ थे मिशनरी मोहम्मद मुराद अली, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करते रहे। वो कहता है मुझे कबूल है लेकिन मैं आंख से देखना चाहता हूं। आप लोग कहते हो कि ये भगवान का अवतार है, राम है, कृष्ण है, ईसा है, मूसा है, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, बॉम्बे आए, इमाम कोरस भी गए कि खुदावंद इधर एक आदमी है वो आपको मिलना चाहता है, बोला आके बैठा, हाथ जोड़ के कहता है भगवान गुजराती में बोलता था, ये लोग कहते हैं आपके मिशनरी कि राम का अवतार आप थे, कृष्ण का अवतार आप थे, मुर्गा फरमाया सच है, तो अगर ये बात सच है वो कहता है तो मैं ये देखना चाहता हूं अपनी आंख से कि आप मुझे वो रूप दिखाओ कि गोपियों के साथ रास खेलते थे कृष्ण के अवतार में। माँ बाप हंसे और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के सामने देखा, एक मिनट भी न हुआ और मौला के सामने सजदे में गिर गया, आंखों से खूब आंसू निकले, बहुत खुश हुआ, बहुत रोया। मौला ने उसका नाम जाफर अली रखा। इसका पोता आज भी इधर टोरंटो में रहते हैं, बेटा भी है, और बहुत बरसों तक मोरोगोरा के अंदर अपना रिलीजन टीचर भी था। मैं पर्सनली उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, गुजर गया बेचारा, लेकिन बाद में वो बोलता था कि मैंने देखा कि कृष्ण गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं, वो रूप मैंने देखा। इमाम जो है वो तमाम रूप के अंदर मौजूद है। हम इंसान हैं और हम अपनी आंखों से ईमान को देखते और समझते हैं, लेकिन दीनदारों ये जो परिंदे हैं ना, पंछी, बर्ड्स, ये एनिमल्स, ये लोग भी ईमान का दीदार करते हैं लेकिन किसी और तरीके से करते हैं। सारी दुनिया में उसका नूर मौजूद है, हर जगह जिस तरह चांद सूरज की रोशनी हर जगह होती है, इस तरह खुदा का नूर हर जगह मौजूद है। हम खुशनसीब है इस्माइली कि वो नूर सैकड़ों हजारों बरस से उतरते उतरते आज हमारे पास हमारे इमाम की मारिफत से हमें मिलता है। आदर इमाम के आने की तलब करो, उस नूर को देखने की तलब करो, सीख उसके दीदार को सीख करो, ढूंढो, तलाश करो और उस हज़रत इमाम के दीदार को समझने की एक और कोशिश है। आज मैं आपको एक टिप देता हूं, मेरी टिप ये है, हमारी ये दो आईब्रोज हैं, इन दो के बीच में परेशानी के ऊपर इस जगह नॉर्मल हिंदू औरतें इधर एक छोटी सी बिंदी लगाती है, ये वो जगह है कि अगर यहां सुराख किया जाए तो इसके पीछे 1 इंच जितनी
कैविटी है। हम जब सांस लेते हैं तो ये सांस उस कैविटी में से निकल के हमारे लंग्स में जाता है। इस जगह आप इमाम को अच्छी तरह से देखो, पिंकिश लाइट, बहुत ब्राइट नहीं लेकिन पिंकिश लाइट फ्लिकर कर दी होगी। यहां इमाम की इस परेशानी में हमको पिंकिश लाइट दिखेगी, किसी को दिखेगी किसी को नहीं दिखेगी, उस आदमी के खुद के ईमान के ऊपर इस आधार है ये। और ये लाइट हमेशा होती है, खसूसी तौर पे जब मौला अपने मुरीदों के अंदर आता है तो इस लाइट की बख्शिश मिलती है उन लोगों को कि जो इसके लायक होते हैं। मगर है, इमाम के चेहरे को देख के सलवात पढ़ो और अपने दिल में उसकी मोहब्बत को फील करो। लेकिन जितने दिन बाकी हैं, आज किस तारीख हुई, 10 दिन मई महीने के बाकी हैं, 10 दिन दूसरे हैं, 19-20 दिन हैं, इन 19-20 दिन के अंदर इस महाशूक को मिलने के लिए हम क्या तैयारी करें? कुछ न कुछ तो करना होगा ना। अगर हमारा महबूब आता है तो हम उसकी कुछ तैयारी करें, फूलों का हार लेके जावे, कुछ खाना पकाए, कुछ ऐसी चीज तो हम देंगे उसको। उसकी तैयारी ये है कि इबादत करो, हर रोज जमात खाने पहले से ज्यादा आओ, और खास तौर पे दुरूद पाक की यानी सलवात की तस्बीह निकालो। उसके आने से पहले अपने आप को ये तैयार करो कि ए मौला, तू जो आता है तेरी रहमतों तेरी करामतों तेरी नूरानी बख्शिशों को मैं उठा सकूं और समझ सकूं, उसके लिए तू मुझे ताकत दे। ये हमारी तैयारी है कि हम उस इमाम को भेजने के लिए याद करते हैं। इस इंतजार में हम उसके लिए आजजी करते हैं कि हमको वो बख्शिशें दे कि जो बख्शिशें तू अपने प्यारों को देता है। अपने दिल में इसके लिए रोज तमन्ना करो, तेरे पांव लगूं मेरे मौला, मुझे तू दीदार दे। दीदार की मांगनी एक अजीब बात है, फिर सदर दिन, फिर रसन का वीर दिन, फिर ताज दिन, फिर नसीर दिन, फिर साहेब दिन, फिर शमसुद्दीन, फिर सदगुरु नूर, हमारे इन तमाम महान पीरों ने इमाम के दीदार की तमन्ना की है। और दीदार के ऊपर हमको तैयार होने के लिए को रास्ते दिखाए हैं। और इसलिए ऐ मोमिनों, अपने आप को भी पाक पवित्र बनाने की कोशिश करो। हमारी भूलें, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, हमारी बदियां बुराइयां छूट जानी चाहिए। इमाम का दीदार करके मांगनी करो दिल में, या मौला मेरी सबसे बड़ी ये बदी है, इस बदी को तो दूर कर दे। बहुत सी बदियां हमारे अंदर, इन बदियों का जिक्र करने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई बदफेलियां करता है, खराब नजर करता है, बहुत से किस्म की हमारे अंदर बुराइयां मौजूद हैं। लेकिन इमाम के दीदार के वक्त कम से कम एक बड़ी बुराई को दूर करने की दुआ मांगो। ए मोमिनो, आप सब मोमिन हो, आपके दिलों में इमाम की मोहब्बत है, बात सिर्फ समझ की है और वो समझ मौला देता है। आबाद रहो, सुखी रहो, मौला बरकत देवे, ईमान ज्यादा करे, अपनी मोहब्बत ज्यादा करे, अपनी मारिफत देवे, अपनी रहमत को समझने की हमें तौफीक देवे और मौला के लायक मुरीद बनने की हमें तौफीक देवे, हमारी नेक उम्मीदें पूरी करे, आने वाले वक्त और टाइम के लिए हमें तैयार करे। ऐ मौला, तेरे खेल निराले हैं और आज जो तू कुछ कर रहा है, देखो मौला दिनदारो कितना घूमता है, कितना घूमता है, कितना फिरता है, एक यंग आदमी भी नहीं कर सकता।
ये आने वाले जोमे के लिए तैयारियां हो रही हैं। जिस तरह सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने जमात को इस काबिल बना दिया कि वो मामूली हालत से निकल के एक किस्म की रॉयल फैमिली बन गई और हजर इमाम को ये सब सौंपा, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि ये एटॉमिक एज का इमाम है। और 1973 में नैरोबी के अंदर हजर इमाम ने यह कहा कि मैं तुम्हारा एटॉमिक एज का इमाम हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर स्पेस एज का इमाम आएगा। और ये फरमान प्रिंटिंग में भी है। तो वो आने वाले इमाम के लिए और आने वाले वक्त के लिए जमात कैसी होगी और जमात को क्या करना होगा, आज इमाम उसके लिए बंदोबस्त कर रहा है। ये पद्रामनी एक खास सिग्निफिकेंट है। 2 बरस के बाद हजर इमाम की गोल्डन जुबली है। इस गोल्डन जुबली के लिए हमें क्या करना होगा? हजर इमाम को रूहानी तौर पर तैयार करा रहे हैं। अभी तक हजर इमाम ने इस बात के लिए कि उसकी जुबली किस तरह मनाई जाए इसके लिए डिस्कस नहीं किया, रखा हुआ इसी तरह से। लेकिन हमको इंशाल्लाह मौला के उस गोल्डन जुबली की देखने और सेलिब्रेट करने की मौला तौफीक देवे और आप सबको और आपकी आल औलाद को मौला खुशियां देवे, बरकतें देवे। सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो दीन में दुनिया में। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, चढ़ती करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, दसवन सुकरीत में पढ़ा रखे, फरमान बरदार मोहब्बत करने वाला मामा बनावे। आज